बाबा जी कहते हैं कि औरतें शादी के बाद अंगूठियां और जेवर पहनती हैं ताकि पता चल सके कि वो शादीशुदा हैं, लेकिन मर्द हजरात को इनकी जरूरत ही पड़ती, इनकी शक्ल से ही पता चल जाता है कि वो शादीशुदा हैं। बीवी अपने शोहर से, तुमको मुझसे जरा सी भी मोहब्बत नहीं है। वो रहीला का खावन जब भी घर आता है तो अपनी बीवी को फूल कहकर पुकारता है। शोहर बोला, अरे बेगम, इसे अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए, जिसको वो भैंस की जगह फूल दिखाई देती है। डॉक्टर सरदार से, सरदार जी, कोई बहुत ही पुरानी बीमारी है जो अंदर ही अंदर आपको खा रही है। सरदार, डॉक्टर साहब आहिस्ता बोले, बाहर ही बैठी हुई है। एक सरदार की माँ की तबीयत खराब हुई तो वो इसे अस्पताल में ले गया। डॉक्टर ने कहा, सरदार जी, आपकी माँ के दो टेस्ट होंगे। ये सुनकर सरदार जी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर हैरानी से बोला, सरदार जी क्या हुआ, इसमें रोने की क्या बात है? सरदार डॉक्टर साहब से बोला, मेरी माँ अनपढ़ है, टेस्ट का पहले पता होता तो कम से कम तैयारी तो करवा लेता। माँ बेटे से, बेटा एक गिलास पानी तो देना। बेटा, अम्मी जान, पानी के लिए किसी और को कह दें, मैं इस वक्त बहुत मसरूफ हूँ। माँ, बेटा तुम क्या कर रहे हो? बेटा, अम्मी जान, आपने जो मिठाई छुपा कर रखी थी, मैं इसे तलाश कर रहा हूँ। लगता शेखा का मुंडा सी। एक मियाँ बीवी किसी की शादी अटेंड करने गए। थोड़ी देर बाद बीवी ने देखा कि इसका शोहर किसी लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा है। बीवी खामोशी से पास आई और शोहर को आयोडेक्स की डब्बी दिखाकर बोली, ये मैं घर पहुँच कर आपकी चोट पर लगा दूंगी। शोहर, पर जानू, मुझे चोट कहाँ लगी है? बीवी दांत पीस कर, पर जानू, अभी हम घर ही कहाँ पहुँचे हैं।